Yes, Husain Dalwai. Yeah, that is. Sir, my problem is that he is a Raja, otherwise I would have. Yes, sir, बहुत बहुत धन्यवाद. इस हाउस में हमारे संविधान और बाबा साहब का जो योगदान है उसके ऊपर चर्चा हो रही है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया जिसमें सब लोगों को अधिकार दिए उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ. मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ और सोनिया जी ने एक मौका मुझे यहाँ आने का इस ऑगस्ट हाउस में, इस बड़े हाउस में जहाँ 270 लोग हैं उसमें मेरे जैसे आदमी को लाया, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ. ये संविधान एक ऐसी हालत में बना जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, खून की नदियाँ बहीं, उस वक्त भी ऐसा संविधान बनना यानी हमारे लोगों के, हमारे पुरखों के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी बड़ी उदारता है ये भी हम लोगों ने मानना चाहिए. और ख़ास करके मुसलमानों को मैं बताऊंगा और बताता हूं हमेशा कि इतना सारा होने के बावजूद भी हम यहाँ गर्दन उठा के चल सकते हैं, यहाँ होने वाले अन्याय के ऊपर भी बोल सकते हैं. और हम बोलने की ज़रूरत नहीं बल्कि दूसरे समाज के, हिंदू समाज के लोग कितने ज़ोर से इसके ऊपर बोलते हैं ये भी बड़ी बात है. मैं इस उदारता का उदाहरण देते हुए कहूँगा कि कमाल की बात है कि दुनिया में जहाँ बात कहाँ नहीं हुई वो बात एक संविधान के जरिए हो गई. यहाँ के दलितों को, यहाँ के अनपढ़ लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के माइनॉरिटी को एक ही साथ अधिकार देने का, वोटिंग का राइट देने का काम हुआ, ये बहुत बड़ी बात हुई. और ये हुआ इसलिए हम देखते हैं कि इर्द गिर्द जो देश हैं वहाँ स्थिरता बिल्कुल नहीं है. कहाँ राजाओं का राज्य है चलता है, कहाँ शेख का चलता है, लेकिन इस देश में हमारे बाजू में पाकिस्तान उसी वक्त हुआ, कहाँ भी पॉलिटिकल स्थिरता नहीं है. यहाँ सत्ता बदल भी बिल्कुल स्थिरता से और शांति से होता है. अभी आप लोग सत्ता पे आए, यहाँ कांग्रेस वाले ऐसा नहीं बोले इनको सत्ता पे बैठने की जरूरत नहीं. हम लोग आएंगे 19 को तब भी आप ये मानोगे क्योंकि आजकल आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कमिटमेंट देने का काम किया है. ये मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ हमारे सत्ताधारी लोगों को कि इस हाउस में एक दफा गृह मंत्रालय के ऊपर बहस हो रही थी और उसका इनिशिएट, वो बहस करने में इनिशिएट जिन सम्माननीय सदस्य ने किया, उन्होंने ये कहा कि ये संविधान क्या है. अलग अलग देशों से, यूरोप के देशों से कुछ लाए भी बातें, किताब लाया गया, उसकी प्रस्तावना फाड़ी गई, उसका ये फाड़ा गया कवर पेज और उसके ऊपर भारतीय संविधान, ये क्या संविधान है क्या. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बड़ा अटैक किया उनके ऊपर, एक बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हो. लेकिन मुझे ऐसा लगा कहाँ ना कहाँ ये बात मैं पढ़ा हूँ और इस वक्त जरा थोड़े से किताबें फिर देखने लगा तो गोलवकर गुरु जी ने यही बात कही है, दत्तो पंत ठेंगड़ी ने यही बात कही है, इन्होंने सुदर्शन जी ने यही बात कही है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही है. हमें यह मानना पड़ेगा कि बाबा साहब का नाम हम बड़े गर्व से लेते हैं. मनुस्मृति और बाबा साहब इकट्ठा नहीं जा सकते. मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई थी, ये बात हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए. बाबा साहब का अगर नाम लेते हैं तो बाबा साहब ने 3 साल लगातार इतनी बड़े पैमाने पर मेहनत करके दुनिया में से जितनी कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सब लोगों को ये लगे कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश मेरा है, ये लगे, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया. मैं इस हाउस को याद दिलाना चाहता हूँ उन्होंने इस वक्त उतनी मेहनत ली कि आखिर जाके उनका निधन हो गया. यहाँ बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, मैं कहूँगा कि
बाबा साहब ने देश छोड़ने का सवाल ही आता नहीं। बाबा साहब क्यों छोड़ेंगे देश, सवाल ही नहीं आता। बाबा साहब को देश ने कभी नकारा नहीं, बाबा साहब को जाति व्यवस्था ने नकारा, हिंदू धर्म ने नकारा। इसलिए बाबा साहब ने वो धर्म नकारा, ये ध्यान में लेना चाहिए। आज भी हमारे जैसे लोग हैं इस देश में जो मुसलमान बने, ये बने, बौद्ध बने, ये क्यों बने, इसका जरा भी सोच अगर आप लोग करेंगे तो आप में, आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। समाज के नीचेतम आदमी को भी न्याय और हक मिला। ये देश में एक बात ऐसी है, यहाँ बाबा साहब ने जाना कि यह देश इकट्ठा रहना है तो संविधान ऐसी बनानी चाहिए कि देश के सब लोगों को यह लगे कि मेरा हल इसमें हो सकता है। बाबा साहब ने ये जरूर कहा कि मैं मेरे लोगों को राजनीतिक अधिकार देता हूं लेकिन सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार नहीं दे रहा हूं। लेकिन मेरे लोगों को यह मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, उसके उसको बात उठाने के लिए आपको अधिकार देता हूं। ये भी बात बाबा साहब ने उस वक्त कही। ये मानना ही पड़ेगा, अभी भी दलितों की स्थिति बहुत गंभीर है। इतने साल हुए, कल यहां कुछ बात निकली, मैं नहीं था, जगन्नाथपुरी में मैं गया था एक कमेटी के मीटिंग में, और मैं हमेशा, प्रसाद जी आपके लिए बता दो, मैं जहां भी जाता हूं वहां मंदिरों को भेंट देता हूं, क्योंकि वहां अलग अलग, खास करके साउथ में जो मंदिर है उसमें जो कलाकारी है वो देखने, शिल्प कला है वो देखने जैसी होती है। वहां मुझे, मैंने सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया, ने कपड़े पहने और निकला तो मुझे फोन आया हमारे कमेटी के सेक्रेटरी का, सॉरी दलवाई साहब, आप वहां मंदिर में जा नहीं सकोगे। और मुझे कहा गया, आप अगर आपकी, आप मुसलमान हो नहीं बताते तो आप जा सकेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा मुसलमान। अरे क्यों, अरे ये क्या, ये क्या, यहाँ मक्का शरीफ में नॉन मुस्लिम जा नहीं सकता, वो भी गलत है। लेकिन मक्का, वहां तो राजनीति क्या, लोकतंत्र की राजनीति है क्या, उसके खिलाफ भी मैं एक दफा वहां जाके सत्याग्रह करने वाला हूं। गलत बात है, जिनको जाना है देखना है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बंदी नहीं की है, सबको साथ में लेने का काम किया है। लेकिन अभी कुछ मुसलमान इस तरह का अगर विचार करते होंगे तो वो भी गलत है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बोलता हूं, नितिन आगे की बात बताता हूं, ये नगर डिस्ट्रिक्ट का नितिन आगे, उसका क्या कसूर था कि उसको इस तरह से मारा गया, उसका पांव काटा गया, स्कूल में गए मारने के लिए, स्कूल में मार रहे थे, टीचर कहता है बाहर लेके जाके मारिए, वो बेचारा बच सकता था अगर टीचर कुछ बोला तो, टीचर भी चाहता था उसको मारने के लिए, उसको बाहर लेके गए, उसका हाथ तोड़े, पांव तोड़े, उसको ईंट भट्टी पे लेके जाके जलाए और उसको मार डाले। उसका कसूर एक ही था कि वो ऊपर के जाति के लड़की से प्रेम करता था, वो लड़की भी उससे प्रेम करती थी। अभी इस तरह की बात होना गलत बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर ये देश बचाना है तो आपको अंतर जातीय विवाह को परमिशन देनी पड़ेगी, इससे ही जातीय व्यवस्था खलास होगी। आपको अंतर धर्मीय विवाह को अनुमति देनी पड़ेगी तो ही आपको एक तरह से ये देश बच जाएगा। और एक देश का विकास अगर होना है तो ये छोटी छोटी बातें उठाना अभी बंद करिए, ऐसा मेरा कहना है। एक बात ध्यान में रखिए कि इस तरह की जो बातें होती है उसके खिलाफ हम लोगों ने कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से जरूर बोलूँगा, वहाँ जो भाषण उनका हुआ, प्रेस में आया, हमने पढ़ा, अच्छा भाषण था, लेकिन ये अच्छा भाषण करके नहीं चलेगा। आपके मंत्रिमंडल में ऐसे दो चार लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी बोलते हैं, हाउस में आए हुए आपके लोग कुछ भी बोलते हैं, उनको रोकने का काम करिए। मैं बोलता हूं कुछ गलतियां हमारी जरूर होंगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए, आज सब चलाए मौलाना महमूद मदनी साहब,
उनके चचा हर जगह हजार लाख दो लाख लोगों के ये लेके मीटिंगें लेके लोग मुसलमानों को कहते हैं कि खबरदार दहशतवाद हमारा काम नहीं है, दहशतवाद करना नहीं चाहिए, इस्लाम में दहशतवाद के खिलाफ बात की गई है। और मैं भी यहाँ आने के पहले एक दिन दिल्ली में आने के पहले सीरिया में सीरिया में जो ये हुआ आतंकवाद हुआ उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरा दिन धरना दिया, उसने 32 लोग बोले, एक नहीं भी आरएसएस ये वो बोले ने इस मुसलमानों को बताने का काम किया, हिदायत दी कि ये काम अपना नहीं, ये देश अपना है, यहाँ देश में ठीक ढंग से रहना चाहिए। लेकिन करने वाले कौन हैं, क्यों करते हैं, इसका भी ये हम लोगों ने सोचना चाहिए। उनको ऐसा दीवार की तरफ दबाने का काम मत करिए, उसे हर दिन वो 370 की बात करने की, हर दिन कॉमन सिविल कोड की काम, अरे क्या है कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड क्या है, एक दफा दिखाइए हमें बताइए। मैं और नकवी साहब दोनों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी की है साथ में मिलके, हमें मालूम है ये जुबानी तलाक जो है वो गलत है, ऐसा हम जरूर बोलते हैं, लेकिन जबरदस्ती करके नहीं चलेगा। करिए करिए आहिस्ता करिए, आपको क्या कहना है एक दफा बताइए तो, क्या आपके इसमें क्या अच्छा है, इस्लाम में क्या अच्छा है, कितनी वहाँ औरतों को कितनी ये दी गई है, हक दिए गए, वो भी बोलिए। आखिर में सभापति महोदय एक बात कहूँगा, गांधी जी का आजकल ये लोग नाम बहुत जोरदार से लेते हैं, अच्छी बात है, आखिर गांधी जी का नाम उनको लेना पड़ा, लेकिन कौन सा गांधी, गांधी कौन सा, शुरू में गांधी जी अछूतता के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कुछ काम किया उन्होंने, ब्राह्मणों के सर पे महिला रखने का भी काम किया, अप्पा साहब पटवर्धन हमारे कोकण में काम करते थे, बड़े पैमाने पर शौचालय बनाने का काम किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कहाँ कुछ भी होने दो, चातुर्वर्ण बहुत अच्छा है, हो गया मेरा, चातुर्वर्ण का उन्होंने समर्थन किया, वो गांधी जी हम नहीं मानते, हम गांधी जी वो मानते हैं जो कहते हैं अगर विवाह करना है तो अंतर जातीय विवाह होगा तो ही मैं आऊंगा, हम वो गांधी जी मानते हैं जो अंतर धर्मीय विवाह होगा वहां मैं आऊंगा, ये बोलने वाले गांधी, और चातुर्वर्ण की मैंने समर्थन किया वो गलत था ये भी उन्होंने कहा, मैं हर दिन बदलता गया हूँ ऐसा गांधी जी बोले, ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। गांधी जी आप कौन सा मानते हैं एक दफा साफ करिए, गांधी जी हम मानते हैं वो गांधी जी प्रोग्रेसिव जिन्होंने आम्बेडकर जी की विचार धारा स्वीकारी और आम्बेडकर के विचारों का परिणाम उनके ऊपर हुआ और आखिर जाके गांधी जी बदले, ये बदले हुए गांधी जी हम मानते हैं, और सब लोग आप भी यही गांधी जी को मानिए। इसलिए आपको कहाँ ना कहाँ जिन लोगों ने गलत बातें कही हैं वो किताबें जैसे आम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति जलाई वैसी वो किताबें आप जलाना नहीं, किताबें जलाने के मैं खिलाफ हूँ, गला बाजू रखिए उसके आगे जाइए और संविधान के ऊपर निष्ठा रखने वालों को ही साथ में लीजिए, जिनकी निष्ठा नहीं है जो हर दिन गड़बड़ी करते हैं, अतारी होने दे ये होने दे ये दादरी होने दो, इस तरह की बातें होना गलत बात है, इससे एक माहौल बनता है और असहिष्णुता बढ़ी ये आपको मानना पड़ेगा। जिस ढंग से बोला गया कि आम्बेडकर साहब ये देश छोड़ के नहीं गए, आम्बेडकर देश नहीं छोड़ के गए, धर्म छोड़ के गए, क्योंकि उसने आज्ञा किया था, ये बात हमने ध्यान में लेनी चाहिए। इतना मैं कहूंगा, मुझे जो मौका दिया 10 मिनट क्यों नहीं होने दो, मौका दिया इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। Now, honorable members, we have extended the time for discussion up to 4 p.m. Therefore, I think we can have half an hour lunch break, if you agree. So, house adjourned up to 2 p.m.